वर्तमान रबी सीजन में राजस्थान के किसान चने की जगह सरसों और गेहूं की फसल को तरजीह दे रहे हैं। अभी तक हुई बुआई के आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्थान में चने का रकबा घटा है, जबकि सरसों और गेहूं के रकबे में भारी वृद्धि हुई है। इस रबी सीजन के आंकड़े सरकार की उस कोशिश को झटका देने के लिए काफी हैं, जिसमें अनाज की जगह दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान में तिलहन खासकर सरसों के रकबे में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दलहन में चना का बुआई क्षेत्र घटा है और अनाज यानी गेहूं के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में सरसों का क्षेत्र 40% तक बढ़ गया है। 26 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 32.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस तिलहन की बुआई हुई है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य इस बार सरसों के रकबे को पिछले साल के 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से बढ़ाकर 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र करना था। हालांकि अभी किसान सरकार के लक्ष्य से भी काफी आगे निकल गए हैं, जबकि अभी पूरा आंकड़ा आना बाकी है। रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल गेहूं की बात करें तो किसानों ने अभी तक 25% तक रकबा बढ़ा दिया है, जबकि सरकार का लक्ष्य पिछले साल के 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 3.2% की कमी लाने का था। कृषि विभाग को अभी तक प्राप्त हुए आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 19.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई का काम पूरा हो गया है, जो पिछले की समान अवधि की तुलना में 25% अधिक है। राजस्थान सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि गेहूं और सरसों के रकबे में बढ़ोतरी के पीछे की मुख्य वजह सर्दी की जल्द शुरुआत है। बुआई का काम 2 सप्ताह में पूरा हो जाने की उम्मीद है और उसके बाद उनके पास ज्यादा स्पष्ट आंकड़े मौजूद रहेंगे। सरसों के उत्पादन के मामले में राजस्थान नंबर 1 राज्य है, जबकि गेहूं में राज्य का नंबर 5वां आता है। दूसरी वजह यह है कीमत। फसल कटाई के वक्त इस बार किसानों को गेहूं का औसत भाव 1872 रुपये प्रति क्विंटल मिला, जबकि MSP 1925 रुपये प्रति क्विंटल थी, जबकि सरसों के लिए किसानों को MSP से औसतन 35-40% तक अधिक भाव मिल चुके हैं। वहीं चने की बात करें तो किसानों को औसत भाव 4,990 रुपये प्रति क्विंटल मिला, जबकि MSP 5,100 रुपये थी। फिलहाल तो राजस्थान की मंडियों में चने की कीमत लगभग 4,633 रुपये क्विंटल चल रही है और यही कारण है कि किसान चने की जगह सरसों और गेहूं की अधिक रकबे में बुआई कर रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार का लक्ष्य था कि चने के रकबे को पिछले साल के 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से बढ़ाकर 20 लाख हेक्टेयर किया जाए। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV.